फ्रेंड्स, वेलकम टू माय प्लांट्स का चैनल। आज का गार्डन का मैं ओवरव्यू दिखा रही हूँ। देखिए, एकदम एक छोटा सा कॉर्नर बनाया है, छोटा सा जन्नत बनाया है। मैं अपने टेरेस पे बनाई हूँ, सारे इजी उगने वाले, इजी ग्रो होने वाले और कम खर्चे में होने वाले प्लांट्स से ही मैंने मेरा टेरेस गार्डन छोटा सा एक खूबसूरत सा स्वर्ग बनाई हूँ। देखिए, आज मैं अपडेट देना चाहूँगी मेरे पिटूनिया का। ये देखिए, ये खिला है। ये मैंने एक बड़े राउंड से गमले में मैंने बिठाया है। तो जो भी सर्दियों के पौधे होते हैं वो सारे शैलो पॉट में ही डालना अच्छा होता है, क्योंकि उनकी जड़ें ज़्यादा गहराई तक पहुंचती नहीं है। तो ये भी बहुत शैलो ही है। और सारे विंटर वाले जो पौधे हैं वो पोरस मिट्टी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मैंने इसकी मिट्टी कोकोपीट, सैंड, थोड़ा सा गार्डन सॉइल, फंजीसाइड और फार्मी कंपोस्ट के मिक्सचर से बनाया है। यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट का जो नाप है वो सबसे ज़्यादा है, ज़्यादा दिया है। और फंजीसाइड मिट्टी तैयार करने के वक्त हर बार मैं मिला देती हूँ, क्योंकि जो गार्डन सॉइल का जो हिस्सा लेते हैं आपको पता नहीं होता है कि उसमें फंगस है या नहीं है। तो कभी कभी क्या होता है, अगर आप ऐसे ही बैठा देते हैं तो कोई कोई प्लांट येलो होके मर जाते हैं, आपको कारण पता नहीं चलता। तो उसका एक कारण यही होता है कि उसके जड़ों में फंगस अटैक करता है। और दूसरा वजह ये होता है कि ओवर वाटरिंग, सर्दियों के पौधों को ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इनको अच्छी धूप दें, पिटूनिया को अच्छी धूप चाहिए होती है। ऑब्वियसली गर्मियों की धूप ये सहन नहीं कर पाती, पर सर्दियों की अच्छी खासी धूप इनको मिलनी चाहिए। तब देखिए, एक छोटा सा पौधा मैं 5 रुपए का लगाया था और वो ऐसे स्प्रेड हो गया है। हमारे यहाँ नर्सरी में बहुत देर से पिटूनिया का पौधा बिकना शुरू हुआ था, क्योंकि ठंड बहुत देर से पड़ी है कलकत्ते में, इसलिए। तो ये देखिए, अभी ये खिला है। इसका कलर भी मुझे पता नहीं था, बहुत ही प्यारा कलर है। जब भी कोई फूल पुराना हो जाए तो आप उसकी डेडहेडिंग ज़रूर कर दें। डेडहेडिंग का मतलब होता है जो पुराना मुरझाया हुआ फूल है उसको आप तोड़ दें, वरना सीड पॉट ग्रो होने लग जाते हैं। और एक बार ये सीड पॉट तैयार होने शुरू हो जाए तो प्लांट मर जाता है, क्योंकि सर्दियों के पौधों की लाइफ साइकिल जो है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। ये देखिए मेरी जरबेरा अब पूरी तरीके से ये खिल चुका है। पहली बार मेरे गार्डन में जरबेरा इतने अच्छे से हुआ है। और देखिए, मेरे यहाँ आने के बाद यहाँ पे और एक कली भी ग्रो हुई है, 6 कलियाँ ग्रो हुई है। वो देखिए, ये भी बढ़ रहा है। इसको फंजीसाइड मैं लगभग हर दिन स्प्रे करती हूँ, क्योंकि इसको फंगस बहुत ज़्यादा जल्दी लग जाता है। और पानी इसको कम ही दे, जब इसकी मिट्टी सूख जाए, ऊपर वाली सरफेस नहीं, अंदर उंगली धसा के देखिए कि सूख गया है, तभी इसको पानी दे। और ये देखिए मेरे सारे क्राइसेंथेमम के प्लांट, आज मैं इनको फर्टिलाइज करूंगी। देख सकते हैं क्राइसेंथेमम के प्लांट पौधे, आज मैं इनको करूंगी। ये देखिए, मैंने एक पौधे से कटिंग कर करके कितने सारे क्राइसेंथेमम के पौधे बनाए हैं, तो ये भी कम खर्चे में हो गया। ये देखिए मेरा ये न्यू ब्लूम हुआ है, न्यू वैरायटी का कॉस्मोस। ये थोड़ा सा, ये देखिए बीच में थोड़ा सा डार्क कलर है। मैं सोच रही थी कि थोड़ा अलग वैरायटी का भी हो, क्योंकि इस साल मेरे गार्डन में सारे
फिलहाल मेरे गार्डन में सारे यही पर्पल वैरायटी का कॉस्मोस ही हुआ है। आप देख सकते हैं कितना, ये एक प्लांट देखिए, आपको पता नहीं चलेगा कि ये एक ही प्लांट में कितना ज़्यादा फ्लावरिंग हुआ है। और मैं बास्केट में और भी सीड्स मैंने लगाए थे, सोचा था कि दूसरा कलर होगा, पर वही पर्पल कलर का हुआ है। उससे कोई परेशानी नहीं है। देखिए ये जगह कितना प्यारा हो गया है, पर यही वाला, ये वाला वैरायटी थोड़ा सा अलग हुआ है। ये कितना बड़ा खिला है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, एक कलियों से भी भर गया है। तो ये भी ज़्यादा मेहनत नहीं करवाएगा आपसे, पर आप सिर्फ इस कोने को भी अगर मैं कैमरे में पकड़ूँ तो आप देखिए पूरा जन्नत जैसा ही फील होगा। कितना सारा फ्लावरिंग करता है, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है सिर्फ यही वाला कोना। तो कॉस्मोस एक बहुत ही इजी ग्रो होने वाला और बहुत सारे फ्लावर्स से भर देने वाला प्लांट है, तो आप इसे ज़रूर लगाएं, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो मैं इस सबको अब फर्टिलाइज करूँगी क्योंकि इतनी हैवी फ्लावरिंग कर रहा है। देखिए छोटे से गार्डन के लिए थोड़ा सा फर्टिलाइजर ही कम है, ज़्यादा है। ये देखिए बनाना पिल, सारे सर्दियों के फ्लावरिंग करने वाले प्लांट को पोटाशियम रिच फर्टिलाइजर की ज़रूरत होती है। तो केले का छिलका जो है बहुत ज़्यादा पोटाशियम रिच होता है, ऑर्गेनिक है, तो मैं यही यूज़ करती हूँ। और इसी से देखिए मेरा इतना अच्छा रिजल्ट भी मुझे मिल जाता है। और ये मस्टर्ड केक पाउडर, ये एक टाइप का माइक्रो न्यूट्रिएंट है, ऑर्गेनिक माइक्रो न्यूट्रिएंट। सर्दियों के पौधों के लिए ये दो चीज़ बहुत ज़्यादा मस्ट होता है। अगर आप चाहें तो बोन मील दे सकते हैं, अगर आप एक्स्ट्रा दे सकते हैं। मिट्टी तैयार करने के वक्त आप बोन मील उसमें मिला सकते हैं पहले से, वो एक अलग बात है। ये देखिए मेरा कोकोपीट, मैं ये लगभग हर पॉट में पॉटिंग मिक्स में देती हूँ। ये एक कोकोपीट का बाड़ है जो मैंने नर्सरी से ख़रीदा है। इस बाड़ को मैंने टुकड़े किए हैं, ये एक एक टुकड़ा मैं पानी में भिगो के रखती हूँ। और इस एक एक टुकड़ा पानी में भीगने के बाद बहुत ज़्यादा अमाउंट हो जाता है, फिर उसे मैं धूप में सुखा के ऐसे सुखा लेती हूँ, फिर इसको पॉटिंग मिक्स में यूज़ करती हूँ। तो आप भी यही कीजिए। कोकोपीट से क्या होता है कि आपके टेरेस पे ज़्यादा स्ट्रेस, कोकोपीट से क्या होता है छत पे स्ट्रेस नहीं पड़ता क्योंकि बहुत ही हल्का होता है मिट्टी के तुलना में। तो मैं मिट्टी सॉइललेस ही ज़्यादा, सारे सर्दियों का जो पौधे हैं सारे सॉइललेस मीडिया में ही बैठाती हूँ। अगर सॉइल गार्डन सॉइल यूज़ भी करती हूँ तो वो बहुत ही कम होता है, तो इनको उठाने में भी आसानी होती है। आप देख सकते हैं कितनी इजीली मैं इसे उठा लिफ्ट कर सकती हूँ। कभी कभी क्या होता है सर्दियों में भी बारिश आ जाती है, तब बारिश का पानी सर्दियों के कोई भी पौधे पसंद नहीं करते और सारे जल्दी बहुत सारे फूल खराब हो जाते हैं, तो आपका गार्डन ऐसे नहीं रहता। तो अगर आप कोकोपीट सॉइलेस मीडिया से कोकोपीट देके पॉटिंग मिक्सचर बनाते हैं तो आप इसे बारिश के वक्त अच्छे से जल्दी से लिफ्ट भी कर सकते हैं, ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं पड़ता और छत भी आपका अच्छा रहता है, वेट नहीं पड़ता। गार्डन सॉइल से जो आप पॉटिंग मिक्स बनाएंगे, अगर आप कोकोपीट से बनाए तो वो एकदम आधा हो जाएगा वेट, तो आपको टेरेस की चिंता भी नहीं करनी पड़ेगी, अच्छे से दिल खोल के गार्डनिंग कर सकते हैं। ये देखिए ये वाले वैरायटी मेरी क्राइसेंथेमम के, ये बहुत ही थोड़ा सा वीक हुआ है क्योंकि मैंने इसमें ज़्यादा पानी डाल दिया था तो पत्ते येलो हो गए थे और इसको आयरन की कमी भी हुई थी। तो मैंने कहा था कि मैंने जंग लगी हुई कील मिट्टी में गाड़ी है और पानी इसको कम देना शुरू किया, प्रॉपर सनलाइट में रखा, तो ये ठीक ज़रूर हुआ है पर बहुत देर से ठीक हुआ है। तो
इसमें ज़्यादा फ्लावर आ नहीं सके। कोई बात नहीं, मैं इसको बचा के रखूँगी, अगले साल मुझे कोई भी पौधा खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं सबको सेव करके रखूँगी, गर्मियों में पानी दे के। जब सर्दी आएगी उसी से कटिंग लगा लगा के मैं फिर से मल्टीप्लाई कर लूँगी। तो देखिए खर्चा कितना बढ़ गया, अब कम हो गया सॉरी, अगर आप एक बार खरीदे तो। ये मेरी गोल तो बहुत ही अच्छा होता है, ये तो मैं पूजा के लिए तोड़ती हूँ तो इसलिए देखिए। और सबसे ज़रूरी है सर्दियों के पौधे को कि आप डेड हेडिंग ज़रूर कर दे। डेड हेडिंग का मतलब होता है जो फ्लावर सूख गया है उसको आप तोड़ दे, तभी ज़्यादा फ्लावर आएगा, वरना फ्लावरिंग आपकी कम हो जाएगी। ये मेरा एनुअल प्लांट है, ये सर्दी गर्मी हमेशा रहता है, सिर्फ इसके फ्लावर बड़े होने के बाद यहाँ से पूरा प्रूनिंग कर देना पड़ता है, फिर से उग के फ्लावर होता है। ये ग्लोम एमरंथ है, ये मेरा सबसे पसंदीदा, और ये बुगेनविला सबसे पसंदीदा पौधा है क्योंकि इन दोनों में बहुत बिल्कुल भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और फ्लावर आता ही रहता है, सिर्फ पोटाशियम रिच खाना दीजिए। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये छोटा सा गार्डन, आप ये इजीली कर सकते हैं। देखिए ये एक बाल्टी पानी लिया है, इसमें ये एक मग जो है मास्टर्ड के पाउडर को मैंने भिगो के पचा के रखा था वो डाइल्यूट कर रही हूँ। आपको ये डाइल्यूटेड फॉर्म में ही देना है वरना प्लांट मर सकता है। अब इसको मैं हर पौधे में दूंगी। और ये देखिए लाल वाला, इसको धूप कम मिलने की वजह से इसकी फ्लावरिंग कम हो गया था, तो मैंने इसे प्रॉपर धूप में रखा तो देखिए कलियों से भी भर गया है और फ्लावरिंग भी बहुत अच्छा कर रहा है। ये छोटी छोटी बात का अगर आप ध्यान दें तो इजीली आप इतना छोटा सा गार्डन कर सकते हैं। मैंने देखिए छत में ज़्यादा वेराइटी के फ्लावर्स भी नहीं लगाए, सिर्फ क्राइसेंथेमम, पिटूनिया, जाने पहचाने से फ्लावर और कॉस्मोस जो अच्छी फ्लावरिंग करते हैं, खर्चा भी नहीं है, और मेरीगोल्ड। तो आप ही इतना कर सकते हैं, ज़्यादा फ्लावर की नाम भी आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, मुझे इनकरेज कीजिए। थैंक यू।